राम राम भाई लोग, इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का यही है कि आपको जानकारी मिले कि आपके नए साल में कौन कौन से टीवी चैनल्स आपके डीडी फ्री डिश के लिए लॉन्च होने वाली है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स का नाम लेने वाला हूँ जो कि आपको 2020 में ये सारे चैनल्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की ट्रू टेक वीडियो बनाते रहता हूँ। और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होगा, हमारे लिए जो भी सेशंस होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए, फटाफट जाइए कमेंट कीजिए। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2020 में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ जो अपने चैनल्स को लॉन्च करने के लिए तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि 43 ई ऑक्शंस बहुत ही जल्द होने वाला है। 29 फरवरी के बाद ये जो है ई ऑक्शंस की प्रक्रिया होगी, क्योंकि जब भी कोई भी नए चैनल्स लॉन्च होगा 29 फरवरी के बाद ही चेंज होगा, क्योंकि इससे पहले 42वां ई ऑक्शन हुआ था जो कि केवल 3 मंथ के लिए ही चैनल्स को यहां पे पार्टिसिपेट करके इनको लॉन्च करने के लिए कहा गया है। अगर मैं जैसे कि जी बायोस्कोप की बात करूं, या फिर जी पंजाबी की बात करूं, या फिर इनके शो बॉक्स की बात करूं, या फिर यहां पे एक और चैनल आया था आई लव यू जो कि म्यूजिक का चैनल था जो कि पेन टीवी की तरफ से आता है, वो सब चैनल्स अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो 2020 में जो चैनल्स आपको आने वाले हैं, पहला चैनल्स आपका आने वाला है रिश्ते सिनेप्लेक्स जो कि यहाँ पे वीकॉम 18 लॉन्च कर रही है एक नए नाम से। दूसरा चैनल्स आने वाला है यहाँ पे बिंदास टीवी जो कि आपको स्टार उत्सव के तरह ही होगा, सेम टू सेम स्टार इंडिया इसको लॉन्च करने के लिए आ रही है। और अगला चैनल्स की बात करूँ तो सत्य टीवी आएगा, अशुभ टीवी आएगा जो कि एक धार्मिक चैनल्स रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे V4U नेटवर्क की तरफ से कुल 5 चैनल्स आने की उम्मीद है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ पहला का था B4U हिट्स, B4U प्लस, और उसके बाद B4U बॉम्ब, B4U धड़क, और इसके बाद एक और नया चैनल्स के लिए इन्होंने ट्रेडमार्क जारी कर दिया है B4U फिल्में। साल में बोला जा रहा था कि जी पंजाबी लॉन्च होगा, जी बायोस्कोप लॉन्च होगा, तो ये ऑलरेडी जो है आपको दिसंबर में ही लॉन्च हो चुका है। तो ये तो चैनल्स अब आपको 2020 में देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी बात करूँ तो ऑस्कर भोजपुरी मूवीज, ये भी एक नया चैनल्स है, इनकी भी उम्मीद है कि आपको 2020 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ई ऑक्शंस के विषय में, ई ऑक्शंस जो है वो आपके MPG 4 या फिर MPG 2 किसके लिए होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूँ कि MPG 2 में जो भी स्लॉट थे वो सारा का सारा स्लॉट जो है अभी भर चुका है, 29 फरवरी के बाद स्लॉट खाली होगा, तो वो चीज़ तो आप बाद में देखेंगे। और MPG 4 की बात करूँ तो अभी आपको 4 नए स्लॉट आपको MPG 4 सेट टॉप बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ई ऑक्शंस की जो प्रक्रिया होगी, ऐसा लगता है मुझे कि MPG 4 MPG 2 दोनों को एक साथ हो सकता है या फिर दोनों अलग अलग हो, तो ये चीज़ अभी जानकारी में नहीं आया, क्योंकि इन ई ऑक्शंस की जो भी प्रक्रिया होगी इसके लिए अभी टाइम है। तो आप इसके विषय में अपने मन में कोई भी खिचड़ी मत पकाना, कोई भी न्यूज मत बनाना, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि ई ऑक्शंस कब होगी, क्योंकि अभी तक डेट ही रिवील नहीं हुआ है ई ऑक्शंस की, और यहाँ पे कौन कौन से चैनल्स के लिए स्लॉट खाली होगा ये भी चीज़ अभी रिवील नहीं हुआ है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन ही मकसद था कि 2020 में कौन कौन से चैनल्स की आने की ज़्यादा उम्मीद है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और आपका ये सब चैनल्स के विषय में क्या राय है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और साथ ही आप 2020 में कौन नया चैनल्स देखने के लिए आप चाहते हो, जो कि आपका पुराना चैनल्स आपके DD3D से गायब हो चुका है, वो भी चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और चैनल के साथ जुड़ जाना, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और जरूर से जरूर आप कमेंट करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय।